फाइनली गाड़ी पे से उतरे हैं, नींद आ गया था गाड़ी पे, अब आ गए हैं। एप्पल का खेती है, देखिए पहलगाम पहुंचने वाले हैं जिसमें एप्पल का खेती। यहाँ देखिए ये रहा एप्पल, अभी थोड़ा सा छोटा बीज है इसमें, अभी बड़ा होगा। यहाँ पूरा एप्पल का खेती ही है चारों तरफ, इसीलिए इधर एप्पल सस्ता होता है। अभी जाते हैं खाने में क्या क्या होता है खाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे, दिखाएंगे आपको खाना क्या क्या खा रहे हैं। खाना के लिए वेट करते हुए सब भूखड़ लोग रेस्टोरेंट ढाबा में आकर खाना का वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया है, भूख लगा है सबको। देखिए अब क्या क्या खाना आता है, इसे थाली में क्या क्या रहता है। थाली और दही? हाँ थाली, तो आपके लिए रोटी है, रोटी और दही। थाली 160 रहेगा, उसमें है दाल चावल रोटी सब्जी, यही सब है। आप भात डालने हैं? भात भात दाल भात दाल ही पूछा अभी नसबा तो वो भी बोला 180 रुपये ना हो दाल भात के 140 रुपये जो आएगा वही खा कर आ जाएगा। आ गया खाना, सब खुश रहे, सब मिल गया। राहुल भैया का अभी तक खाना नहीं आया है, चावल रोटी छोला दही राजमा सब व्यवस्था है। और खाने के बाद निकलेंगे पहलगाम, कुछ दूर बचा हुआ है, ये मिलते हैं। कश्मीर का सबसे फेमस एप्पल जूस, एप्पल का जूस निकालते हुए भैया यहाँ, ये देखिए। तो पीओ कि नहीं? तो चार ही गिलास कर दीजिएगा भैया, अच्छा बना लीजिएगा, मीठा है ना। हाँ खाने लगा फेंक दीजिए। वेलकम टू पहलगाम, पहलगाम का एंट्री हो चुका है गाइस, यहाँ से पहलगाम का व्यू है। फाइनली होटल पहलगाम में आ चुके हैं, दिखाते हैं आपको। ये रहा होटल और यहीं स्टे करना है आज। राहुल भैया और ये सब पहले से आए हुए हैं क्या भैया? एक ही रूम है, दो रूम का? हाँ बात कर लेगा, थोड़ा सा रूम का कन्फ्यूजन है तो वो बात कर लेगा, उसके बाद फिर हम लोग को दिया जाएगा। हम लोग का रूम आ चुका है होटल, जो कि अंदर से दिखाते हैं अभी। देखिए एंट्रेंस यही है और अंदर का रूम, होटल टूर करवाते हैं यहाँ का पहलगाम का। पहलगाम का ये देखिए लॉक है दरवाज़ा, ये रहा बरामदा है, ये देख सकते हैं। और कौन सा रूम इधर है ना, ये रिसेप्शनिस्ट वाला है। और एक रूम ये रहा हम लोग का, दो रूम का फ्लैट लिए, दो रूम का लिए हुए हैं। तो एक रूम है काफ़ी डेकोरेट, ने रूम तो काफ़ी मस्त दिया हुआ है, देख सकते हैं डेकोरेट मस्त है। और ये रहा बैठने के लिए है, चेयर वगैरह सब रखा हुआ है। रूम तो सही है दिया ना है ना, रूम है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? और हाँ वहाँ पे है देखो ना सब कुछ। और बाथरूम देखते हैं इसका पहले भाई, वाह फिर बाथरूम तो ना अच्छा बड़ा स्पेस में दिया है। यहाँ देखिए बाथरूम इसका है, काफ़ी अच्छा है रूम, देखने में बाहर से थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन अंदर से काफ़ी बेस्ट है। ये क्या है? जूता वगैरह रखने के लिए। और दूसरे रूम को दिखाते हैं आपको, ये रहा रूम, दूसरा रूम। रूम तो काफ़ी बढ़िया दिया है, बस ज़्यादा हाइट पर दिया है, यही दिक्कत है। ये देखिए सब कुछ सही ही है, सब व्यवस्था दे दिया है। यहाँ है मिरर, और वो बाथरूम देखे भी आप? बाथरूम देखे, बाथरूम तो पूरा खतरनाक तक बड़ा सा दिया हुआ है, आराम से नहा सकते हैं गाना गा के बाथरूम सिंगर बन के। चलिए अभी इसी के साथ अब बाहर जाएंगे तो दिखाएंगे, घूमने जाएंगे तो उसके बाद आपको दिखाएंगे कुछ घूम बाहर का व्यू। तो अभी के लिए इतना ही, आगे जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। वही यह है पहलगाम, पहलगाम का कुछ व्यू देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
और ये रहा देखिए नदी वगैरह जो भी है, पानी का कमी नहीं है यहाँ पे, पानी इतना है कि मत पूछिए। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी मस्त व्यू है, ये देखिए काफ़ी मस्त व्यू है, वहाँ देखिए उधर पार्क साइड सा बना हुआ है और यहीं पे नहाएंगे वहाएंगे। ये है पहलगाम का पोनी राइड जो कि साथ में विनाश बस आज हम दोनों ही आए हैं, वो लोग नहीं आए हैं कुछ कारण बस से, तो गया काम से गया बिल्कुल खत्म टाटा बाय बाय। यही ऐसे बोल देगा तो अगला का तो हड़का देगा यार। आज पोनी राइड है पहलगाम का जिसमें स्विट्जरलैंड मिनी स्विट्जरलैंड को दिखना है, देखना है आज, तो देखते हैं कैसा है और आगे आगे दिखाएंगे आपको कि कैसा व्यू मिलता है यहाँ से। यहाँ से देखिए सब लोग आ रहे हैं मिनी स्विट्जरलैंड से, यहाँ सब लोग आ रहे हैं घूमकर। अभी हम लोग जा ही रहे हैं और ये हमारे भाई जान है जो हम लोग को ले जा रहे हैं पोनी राइड कराते हुए, तो आगे आप मिलते हैं कहीं स्टॉप देखते हैं कहीं वैसा जगह तो फिर आपको दिखाएंगे वीडियो। अभी तो थोड़ा रास्ता का क्या है आपको दिखा सकते हैं, देखिए रास्ता, ये रास्ता है और रास्ता बहुत गंभीर है, देख सकते हैं इतना कड़ा रास्ता है, तो आगे देखते हैं फिर मिलते हैं। यहाँ का नज़ारा, काफ़ी लोग पोनी राइड करके आ रहे हैं उधर से, ऊपर से आ रहे हैं सब लोग, स्विट्जरलैंड बोले जो भी बोलो उससे वो लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर आ गए हैं। ऊपर का नज़ारा देखिए, ये है ऊपर का कुछ व्यू और अभी आगे लोग फोटो शूट वगैरह करा रहे हैं जो कि आएंगे कैमरे में तो देख सकते हैं। यहाँ देखिए सब फोटो शूट करा रहे हैं लोग यहाँ आकर क्यों, और ये देखिए अंकल वेट कर रहे हैं। अभी बहुत खतरनाक रास्ता है गाइस आगे जाने के लिए काफ़ी, ये देख लो कितना रस है और जगह कितना अभाव है, कंजेस्टेड जगह है तो थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है सबको, देख सकते हैं। और यहाँ लोग आ रहे हैं घूमकर पोनी राइड करके वगैरह और आगे जाके दिखाते हैं आपको। बगल से खाई और उसके ऊपर से हम लोग पोनी राइड साथ में, काफ़ी खतरनाक रास्ता है गाइस, जितना सोचे उससे ज़्यादा है, देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से लोग आ रहे हैं, काफ़ी खतरों के खिलाड़ी से भी ज़्यादा खतरा, उसमें तो सेफ्टी यूज होता है, इसमें विदाउट सेफ्टी का जाना पड़ता है, काफ़ी धूल वगैरह उड़ने लगा है, देख सकते हैं पीछे कश्मीर, कश्मीर की वादी है, देख लीजिए पीछे बैक साइड में, ये है कश्मीर का वादी, ये रहा और आगे सेकंड पॉइंट पे जाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिएगा किस तरह का रास्ता है यहाँ, और चढ़ाई में भी रास्ता देख लीजिए, मैडम जो आगे जा रही है, मेरा घोड़ा एक्सचेंज हो गया है, मेरा चेतक एक्सचेंज हो गया, मैडम के पास चल गया है, और ये मेरे पास वाइट वाला आ गया है, यही रही मैम, मेरा चेतक लेके गई है, यहाँ की शादियाँ करते हैं। अच्छा यहाँ की शादियाँ करते हैं, यस, यहाँ महल लगता है उनका, कोई घर नहीं कोई कुछ नहीं होता। अच्छा ऐसे टेंट लगाते हैं, लड़की एक दूसरे को पसंद करके यहाँ पे शादी करती है, लड़की एक दूसरे को, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके ना, तो अभी फिलहाल नहीं है हम लोग के लिए, एक महीने बंद है। अरे हम लोग को अगर करना हो तो वहाँ देखिए फोटो शूट हो रहा है, यहाँ देखिए तो भाई शादी करनी हो तभी कैसे होगा, यहाँ देखिए फोटो शूट हो रहा है पोनी राइड में, यह है कौन वैली था भैया, क्या चीज, दुल्हन वैली, यह है दुल्हन वैली, कब बनेगी मेरी दुल्हन, कल कल कंफर्म भाई, कल तो नहीं रहेंगे यार, तो कल कैसे बनेगी दुल्हन, मैं पूछ रहा हूँ मेरी दुल्हन कब बनेगी, तो बोला भाई ने कल,
ये देखिए आ गए हैं। इसको इसको क्या बोला था अविनाश, इसको क्या नाम बताया था? इसका टिकट लेना है ना, टिकट लो, टिकट लो। इसका क्या नाम बताया था? स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड ना। तो मिनी स्विट्जरलैंड में आ चुके हैं, देखिए यहाँ से एंट्रेंस है और अंदर की ओर जाना है। बाहर से दिखाते हैं, देखिए काफ़ी मस्त व्यू है। अभी अंदर जाकर देखना है क्या क्या है इसमें अंदर में, तो अंदर जाके दिखाते हैं आपको। ये एंट्रेंस था, बता चुके हैं, देखिए ये एंट्रेंस है। हाँ टिकट यही मेरा आ गया है। देखिए अब कश्मीर में यहाँ क्या है, क्या इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, इसको मिनी स्विट्जरलैंड देख सकते हो। क्या है नज़ारा इसका, काफ़ी रश भी है यहाँ देखिए। और आप भी आइए मिनी स्विट्जरलैंड में, एंजॉय कीजिए। कौन सा देखेगा? हाँ चलो देखते हैं, कुछ तो करना ही है जब आए हैं तो। वहाँ चलो, हाँ चलो, बहुत मस्त जगह भाई। यहाँ देखिए पूरा चारों तरफ आपको व्यू दिखाते हैं, आपको बैक कैमरा करके। यहाँ देखिए यहाँ से रोप वे है, हिल क्लाइंबिंग जब पता नहीं क्या क्या बोला जाता है इसको यहाँ से। और ये इधर से ये तार दिख रहा होगा आपको, इधर से वहाँ नीचे की ओर जाता है। और यहाँ देखिए काफ़ी भीड़ है और मस्त है, वैली वगैरह देख सकते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड इसी को कहा जाता है, लोग बोलते हैं। बैक साइड से देखिए ये रहा, फिर से वहाँ से देखो, वहाँ से जाना है, आने वाला नहीं है वहाँ से, खाली नीचे जाइए बस। यहीं से टिकट है फर पर हेड कितना था अविनाश? 350। यहाँ पे टिकट मिलेगा, टिकट वगैरह यहीं पे है। तो आप टिकट पहले कटा लो, उसके बाद चलते हैं। फिक्स रेट है 350 रुपया। तो ये है भैया टिकट देने वाले, और यहाँ से टिकट लेके फिर जाना है उस पर। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस मिलता है उसका, उसके बाद आपको भी शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। तो चार चार दिन बाद आए, कौन कौन जा सकता है? हम लोग नहीं जा सकते हैं क्या? हैं हम लोग नहीं जा सकते क्या? ये देखिए यहाँ पे सब तैयार हो रहा है, बाबू तैयार हो रही है बच्ची, और हम दोनों भी यहाँ से हेमलेट वगैरह लगा के जाएंगे वहाँ से। तो अभी फिलहाल सब्जी पान लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं वहाँ पे आपको। तो चलिए अब आ गए हैं राइड करने के लिए। तो वीडियो जब बढ़िया गया तो फोटो की लगा, उतरे घड़ी ले लेंगे ऐसे। सलाई तो नीचे गिरे लगा हो हमारा पैर से गाइज, मेरा नीचे वाला सूख खुल रहा है इसको। अब आगे की ओर जाना है, और वो बेल्ट से टाइट हो भैया, मेरा भी बेल्ट टाइट से टाइट हो, टाइट मेरा बेल्ट नहीं भैया, टाइट हो इमरजेंसी। ये भैया हैं, हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करवाएंगे राइड। ये आ गई है, देखिए हेवी राइड करेगी मेरे साथ। ऊपर हो जा भैया, करना क्या ऐसे भैया, इसमें सीट डाउन हो जाना है, ऐसे पैर आगे कर देना है, सीट डाउन। हाँ हो गया, ठीक है ऐसे, ठीक है भैया। आधा तेरा वहाँ देखिए, अब राइड के लिए तैयार। ये है राइड हम लोग का, काफी अट्रैक्टिव है, मस्त आ रहा है एकदम। गजब का फीलिंग है जाने, इसको देना कहाँ पे, यहीं पे वही हो गया, खतरनाक फीलिंग रहा। फिर मिलते हैं कुछ देर बाद, अभी थोड़ा सा ऊपर से आए हैं। अब हो गया, हम लोग राइड वगैरह कर लिए हैं, दिखा वीडियो में देखिएगा। यही राइड था, यही राइड हम लोग का कहाँ, ये देखिए जैसे आ रहे हैं यहाँ देखिए, यही राइड अभी हम लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं, कुछ फ़ोटो शूट वगैरह हम करेंगे हम और अविनाश, और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे वापस होटल की ओर। तो चल पूर्वी, पूर्वी कौन है पूर्वी,
ओ माय गॉड, होटल ही जाना। हाँ, इसके बाद होटल था, कहाँ जाएगा, कहीं और जाएगा क्या? मैं होटल जाना है। तो मजा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आया है, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस रहा इसका। इसमें ये बहुत मजा लगा हमको। आप भी आइए मिनी स्विट्जरलैंड में, देख सकते हैं मिनी स्विट्जरलैंड यही है। काफ़ी अट्रैक्टिव है लोकेशन, जो कि सब जगह से लोकेशन बढ़िया आता है। वहाँ पे चलो बैठ के फ़ोटो क्लिक करेंगे, वहाँ से स्टार्टिंग फ़ोटो शूट करेंगे। तब तक के लिए अभी बाय। ये देखिए पहलगाम में जंगल में हम लोग घूम रहे हैं। काफ़ी बड़ा बड़ा जंगल है और देख सकते हैं जंगल की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो कहीं शेर भालू ना आ जाए। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, देखिए यहाँ ऐसा जंगल होता है, पूरा घना जंगल है। आगे बहुत बड़ा लंबा जंगल है और आगे की ओर जाना है अभी, इसके बाद फिर रिटर्निंग होंगे। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को ऊपर में, अब रिटर्निंग जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलिए अब हम लोग का टिकट रेडी हो गया है, जा रहे हैं नीचे गया। अब नीचे जाते हैं, होटल पे मिलते हैं, होटल पे कुछ दिन का क्लिप जाएगा, इसके लिए अभी जा रहे हैं वापस। ये रहा चेक तक मेरा, यही है मेरा चेतक। देख सकते हैं गाइस, पहलगाम का वाटरफॉल है ये, काफ़ी मज़ा मस्त एकदम है देखिए। और यहाँ से सब लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं, ऊपर नीचे सब जगह। बहुत ठंडा पानी है और यहाँ देखिए काफ़ी ठंडा पानी ये सब जो है, यहाँ देखिए। और यह देखिए कैसे वाटरफॉल उठता है, यहाँ देख सकते हैं, गजब का व्यू है। तो आगे देखते हैं और क्या कुछ दिखा पाते हैं आपको, अगर दिखा पाते हैं तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो जा गए पंजाबी का ढाबा, बहुत खोजने के बाद ढूंढने के बाद मिला एक पंजाबी ढाबा जो कि सबका पसंद हो गया है। और यहाँ देखिए बैठे हुए हैं सब, निकलेंगे रूम खाना था, उसके बाद दिखाते हैं आपको। आगे हम लोग का कौन पंजाबी थाली है, पंजाबी थाली है चार प्लेट, और इसमें देख सकते हैं क्या क्या है। तंदूरी है, चावल है, मिक्स वेज है, फ्राई दाल है, और क्या है, कढ़ी है। यहाँ देखिए हमारे राहुल भैया रेडी हो गया खाने के लिए, यहाँ अविनाश। अब चलते हैं, अब खाना खाते हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद रूम पे चलेंगे, उसके बाद गुड नाइट करेंगे।